thank you हेलो फ्रेंड्स दिस इज सीमा फ्रॉम फ्रेंड्सा किचन से आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चंद्रकला की रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और आज हम इसे बिना किसी मोल या कटर के बनाएंगे और ये बनेगी बिल्कुल खस्ता और इसके साथ में मैं देने वाली ऐसी टिप और ट्रिक जिससे ये बनेगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी तो चलिए शुरू करते इसे बनाना सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे एक बॉल और डाल रहे हैं एक कप मैदा आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं और इसे हल्का सा इस तरह से फैला देंगे और अब डालेंगे मोइन के लिए घी तो यहाँ पे मैं तीन बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ एक पिंच जितना नमक नमक डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम मिठाई बनाते हैं तो वो सब बैलेंस करता है और बहुत टेस्टी मिठाई बनती है देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा लगाना है आटा लगाते समय हमें पानी बहुत कम लगने वाला है क्योंकि हमने बहुत अच्छा सा मोइन डाल दिया था इसके अंदर ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है बस इसी तरह का आटा तैयार करना है ये देख सकते हैं आप और आप देख सकते हैं आटा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है हाथों के तो बिल्कुल अच्छे से हमने लगा दिया इसे और अब इसे रेस्ट करने के लिए पंद्रह मिनट हम रख देते हैं तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सबसे पहले मावा तो यहाँ पे 200 ग्राम मावा ले रही हूँ मैंने इसे ग्रेट कर लिया था ताकि ये अच्छे से एक जैसा हो जाए बिल्कुल भी गुटली ना रहे आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट है फ्रेश है ये मावा और ये फीका मावा है आप चाहें तो मीठा मावा भी ले सकते हैं और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्टली इसे हल्का सा मैश कर दिया हमने काफ़ी सॉफ्ट है ये बाइंड हो गया है अच्छे से और अब इस मावे में डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ दो चम्मच बादाम कतरन दो चम्मच हम डाल देंगे काजू कतरन साथ में डालेंगे एक चम्मच पिस्ता कतरन और कुछ पंद्रह से बीस केसर धागे और साथ में इलायची दो चम्मच डाल देंगे हम यहाँ पे शुगर यहाँ पर हम पाउडर शुगर का यूज़ कर रहे हैं और साथ में डाल रही हूँ मैं यहाँ पे जायफल थोड़ा सा ग्रेट करके डालना है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बस पाँच से सात बार इसे इस तरह से ग्रेट कर लें जायफल दो तीन चीज़ों का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है चाहे वो गुलाब जामुन हो मावे की कचोरी हो या फिर ये चंद्रकला हो हल्का सा डालना है टेस्ट को दुगना कर देगा बहुत ज़्यादा नहीं डालना है अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने आप देख सकते हैं मावा काफ़ी सॉफ्ट है और इसके अब छोटे छोटे से गोले बनाने हैं नींबू के साइज़ के ये देखिए बहुत जल्दी से बन जाते हैं राउंड शेप में कर लेना है दोनों हाथों के बीच में हल्का सा घुमा दें अच्छे से राउंड हो जाएंगे ये देखिए बस इसी तरह से सारे गोले हमने तैयार कर लिए हैं और अब हम बनाएंगे चाशनी तो यहाँ ले लिया है हमने एक कप शक्कर और एक कप ही हम ले, ले लेंगे पानी अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक शक्कर नहीं घुले तब तक हिलाते जाना है और इसकी चाशनी को हमें एक तार या दो तार की नहीं बनाना है यहाँ पे बस चिपचिपी चाशनी बनानी है जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाते हैं बस हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनानी है हमें और चाशनी बनाते समय अगर आपको लगे कि आपकी शक्कर में हल्का सा मैल है तो थोड़ा सा दूध डाल के उसका मैल निकाल लें ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल साफ़ है चाशनी और अब हम डालेंगे 10 से 12 केसर के धागे और साथ में डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर एक चम्मच के करीब और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ऑरेंज फूड कलर एक पिंच के जितना ये बिल्कुल ऑप्शनल है और साथ में डाल देंगे एक चम्मच गुलाब जल ये सभी इंग्रेडिएंट्स चाशनी के टेस्ट को दुगना कर देंगे और ये देखिए चाशनी लगभग हमारी तैयार है बस इसे एक से दो मिनट और पकाएंगे ये देखिए इसे हम चेक कर लेते हैं हल्का सा हाथों पे लगाना है ये देखिए चिपचिपापन आ गया है इसमें तो बस गैस को ऑफ कर देंगे तो चाशनी और स्टफिंग तैयार हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं अपना डो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है थोड़ा सा रेस्ट देने से जो स्मूथनेस आ जाती है इसके अंदर और अब इसे इस तरह से लंबाई में फैला के और इसके पेड़े निकाल देंगे ये देखिए तो यहाँ पे हमने जो पेड़े निकाले हैं वो छह पेड़े निकाले हैं और अब हम इन्हें बेलेंगे तो अच्छे से लोई तैयार कर लेंगे इसकी और अब हम काउंटर पे ही बेल लेंगे इसे ये देखिए काफ़ी स्मूथ है कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है और अगर आपको ऐसा लगे कि हल्का सा चिपचिपा है तो आप नीचे घी लगा दें बेलन पे भी घी लगा दें और जो नीचे की सरफेस है वहाँ पे भी घी लगा दें ये देखिए ईजीली बन रहा है बहुत मोटाई में नहीं बेलना है बिल्कुल पतला ही बेलना है तो ये देखिए बेल के हमने तैयार कर लिया है और अब मैं ले रही हूँ ग्लास और उससे इस तरह से कटिंग कर रहे हैं ये देखिए इस शेप की हमको पूड़ियाँ बना लेनी है इसकी आप कोई भी कटोरी या कोई भी चीज़ ले सकते हैं कट करने के लिए ये देखिए इसी तरह से बाकी की भी हम पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे और अगर आप एक साथ में पुड़िया बनाते हैं तो उसे आप कपड़े से ढक कर रखें ये देखिए आप छोटे छोटे पेड़ निकाल के पुड़िया भी बना सकते हैं और अब हम बनाएंगे इससे चंद्रकला तो यहाँ किनारियों पे लगा रही हूँ मैं पानी पहले हम दो पुड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो दो पुड़ी के ऊपर इस तरह से किनारियों पे पानी लगा देंगे और अब हमने जो स्टफिंग तैयार करी उसे सेंटर में रख के और दूसरी पुड़ी को इस तरह से उल्टा रख देंगे जिस साइड से हमने पानी लगाया है उसे इस तरह से उसके ऊपर रखना है और किनारियों को आपस में चिपका देना है ये देखिए किनारियों को अच्छे से फैला देंगे एक बार अच्छे से फैला दिया है और अब हम इसे हाथ में लेकर और इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे ये देखिए बिल्कुल इजीली और अच्छे से चिपक गई है बस पिंच करना है और इसे फोल्ड करना है ये देखिए पिंच करें फोल्ड करें बहुत सुंदर सी डिज़ाइन बन जाती है जैसे कि गुजिया में और आप देखते हैं मार्केट में भी इस तरह से डिज़ाइन मिलती है इसे बनाना बहुत ही आसान है एक से दो बार ये डिज़ाइन बनाते से ही बिल्कुल परफेक्टली बना सकते हैं आप ये देखिए बहुत ही आसान है और ये बहुत सुंदर लगती है डिज़ाइन आप चाहें तो छोटे छोटे फोल्ड कर सकते हैं ये देखिए जैसे आपको पसंद हो उस तरह से फोल्ड बना सकते हैं इसके तैयार कर लिए हमने और बस रख देते हैं इसे इसी तरह से बाकी की चंद्रकला बना के तैयार कर लेंगे ये देखिए एक और बता रही हूँ मैं आपको बहुत ही आसानी से बन जाती है अभी हमने चार से पाँच चंद्रकला बनाई है और यहाँ हमने कर लिया है घी को गरम हल्का सा आटे का टुकड़ा डाल के और चेक कर लेते हैं बस इतना ही गरम घी चाहिए हमें बहुत ज़्यादा घी गरम नहीं चाहिए और एक बार में दो से तीन चंद्रकला डाल के इसे फ्राई करेंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है आप देख सकते हैं एक बार चंद्रकला डालने के बाद में आपको इसे पलटना नहीं है हिलाना नहीं है या झारी नहीं डालनी है जब तक कि ये हल्की होकर ऊपर ना आ जाए ये देखिए धीरे धीरे ये हल्की होकर ऊपर आ रही है अच्छे से फूल रही है बस इसका हल्का सा सुनहरा कलर आने देना है और फिर इसे पलटना है ये देखिए सारी चंद्रकला ऊपर आ चुकी है और दो से तीन मिनट हुए हैं और अब हम धीरे से पलटेंगे इसे ये देखिए बहुत ही धीरे से हमने पलट दिया है इसे आपको भी ऐसे ही हल्के हाथ से पलटना है दस से पंद्रह मिनट लग जाते हैं एक बार जब चंदकला हम फ्राई करते हैं बहुत ही धीमी आंच पे इसे फ्राई करना है हल्की हल्की सी आंच पे जब ये फ्राई होगी तो उतनी ही ये खस्ता बनेगी ये देखिए इसी तरह से पलट पलट के हम इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे और इसका एक गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है तो बस गोल्डन कलर आ चुका है और अब हम निकाल देंगे इसे बाहर और डालेंगे ठंडी चाशनी के अंदर चाशनी गरम नहीं करना है हमें ठंडी चाशनी के अंदर ही डालना है सीधे ही चंद्रकला को और बहुत देर नहीं रखना है चाशनी के अंदर बस एक बार इसे डालने के बाद में इसके ऊपर इस तरह से हम चाशनी डाल देंगे और इसे एक मिनट के बाद में हम निकाल लेंगे बाहर ये देखिए इस तरह से चाशनी डाल देंगे इसके ऊपर और अब हम इसे बाहर निकाल देंगे क्योंकि चंद्रकला को हमें सॉफ्ट नहीं करना है इसलिए ज्यादा देर चाशनी के अंदर नहीं रखना है इसे ये देख सकते हैं आप परफेक्ट चंद्रकला बन तैयार है बस इसे आप बनाते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखें घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ये देखिए सेकेंड बार भी हम वापस से डाल रहे हैं बना के धीरे धीरे सिकने देना है इसे और फिर गोल्डन होने पर निकालना है चाशनी में ज़्यादा देर नहीं रहने देना है क्योंकि इसका क्रंच खराब हो जाएगा इससे और चाशनी गर्म नहीं रखनी है बहुत जल्दी से परफेक्ट चंद्रकला बनके तैयार हो जाती है आप चाहें तो इसे फ्राई करने के बाद में ठंडा करके और फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं दस से पंद्रह दिन तक जब भी इसको सर्व करें चाशनी में डाल के और अच्छे से सर्व कर सकते हैं ये देखिए काफ़ी सारी चंद्रकला हमने बना के तैयार कर ली है थोड़ा सा बरक लगा रहे हैं बहुत सुंदर लगता है इसके ऊपर पूरा कवर नहीं करना है बस थोड़ा थोड़ा सा ही लगा रहे हैं हम और इसे गार्निश कर रहे हैं ड्राई फ्रूट से ये देखिए हल्की सी बादाम कतरन और पिस्ता कतरन से तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी और इस मिठाई पे चार चाँद लग जाएंगे अगर आपके पास में सूखे गुलाब के पत्ते हैं तो आप उससे भी इसे गार्निश कर सकते हैं बहुत सुंदर लगते हैं इसके ऊपर ये देखिए आप इस मिठाई को होली हो या दिवाली हो कभी भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छी लगती है बहुत टेस्टी लगती है ये देखिए और बहुत फटाफट से भी बनती हैं जब हम घर पे त्योहारों पे मिठाई बनाते हैं तो उस त्यौहार का मज़ा ही दुगना आ जाता है एक चंद्रकला मैं आपको कट करके बताती हूँ ये देखिए कितनी क्रंची बनी है ये इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी चंद्रकला कैसी बनी है अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो उसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाय